कबाब तो आपने बहुत सारे खाए होंगे, वेज नॉन वेज। ये बहुत ही हेल्दी कबाब है जिसको सब्जी बच्चे लोग खाना पसंद नहीं करते हैं, और हम बना रहे हैं बीट रूट कबाब। हेलो दोस्तों, आप सबका प्रीतिस किचन डायरी में स्वागत है। आज बनाते हैं बीट रूट कबाब। बीट रूट कबाब बनाने के लिए मैंने ये 3 बिल्कुल छोटा साइज के बीट रूट लिए हैं, इसको ग्रेट कर लिया है धो के छिल के। ये मैंने 4 स्मॉल साइज के उबले आलू लिए हैं, ग्रेट कर लिए हैं, वो भी इसको इसी मिला देंगे। कटी हुई हरी धनिया, हरी मिर्च, सारी चीजें इसमें मिला देंगे। कटा हुआ 1 मीडियम साइज का प्याज, 1 चम्मच बेसन नॉर्मल है, हाफ मैंने लिया है, 1 1/2 टीस्पून बेसन लिया है, 1 स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है ये, और ये 2 स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर मिलाया है इसमें, अरारोट भी मिला सकते हैं आप। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 स्पून लिया है, टीस्पून है, स्वाद के अनुसार 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच पीसी खटाई लिए मैंने। सबको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। सबको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, 1 कबाब का डो मेरा तैयार हो गया। गैस से मैंने पैन चढ़ा दिया है, इसे मैंने 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाला हुआ है, अच्छे से गर्म कर ले रहे हैं इसे। हाथ में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, अब इसके मैं छोटे छोटे कबाब बनाऊंगी। मेरा ऑयल मस्टर्ड ऑयल गैस पे गर्म हो गया है, इसी तरह अपने सारे कबाब तैयार कर लेंगे। इसको मीडियम आंच पे हम कर रहे हैं, पलट के देख लेते हैं वो कि नहीं। सबसे हो गया, अपने सारे कबाब को पलट देंगे। आंच मीडियम रखिएगा, बहुत तेज नहीं, अंदर से कच्चा रह जाएगा। देखिए हमारे कबाब दोनों तरफ से बिल्कुल सिक गए हैं अच्छे से, ये देखिए। गैस बंद कर देंगे हम, बिल्कुल बढ़िया से हो गए। ये देखिए हमारा बीट रूट कबाब बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू।